as the nationwide escalation over the gruesome rape and murder of a trainee doctor in Kolkata continues by the resident doctors. West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee has now decided to visit the family of the victim of Kolkata rape and murder case. And now the statement comes as BJP has been continuing its demand to follow up the case probe to the CBI. And as on the other hand, West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee has been maintaining to ensure that justice will be served to all those protesting as over the safety and security measures to be provided to women doctors inside the premises of the hospitals while the duty is on. Now, joining me on the broadcast is my colleague Renik Datta. Renik, as we can see now in the escalation, there has been a breakthrough where the West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee has decided to go and meet the family of the victim who has died after, you know, the rape and horrific murder took place inside the hospital premises while she was on her duty. देखिए आज कल मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में जिस तरीके से सेकेंड ईयर का लड़की का रेप से मर्डर कर दिया गया है, इसको लेकर बार बार से कई तरीके से जांच हो इसी मांग पर ये लड़की का परिवार और उसके साथ साथ ही जो डॉक्टर थे उनके तरफ से प्रोटेस्ट दिखाया जा रहा है। लड़की का परिवार की तरफ से डिमांड किया जा रहा है कि जो भी पूरा घटना के साथ शामिल है उनको कड़ी कड़ी सजा दिया जाए। उसको लेकर पहले भी ममता बनर्जी की तरफ से दंगा दिखाया गया था। ममता बनर्जी खुद कहते हैं कि ये जो पूरा घटना में जो भी जिम्मेदार है, जो भी इसमें शामिल है, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगा। फांसी का सजा भी हो सकता है, इसका डिमांड भी दूसरी तरफ से किया जाएगा, ऐसा ममता बनर्जी की तरफ से कहा गया था। उसके बाद यह दिखा गया ममता बनर्जी खुद जो परिवार है, जो विक्टिम्स का फैमिली है, फैमिली के साथ मुलाकात करने के लिए खुद उधर पहुंची है। ममता बनर्जी की तरफ से उनके बात किया जा रहा है, घर के अंदर ममता बनर्जी खुद मौजूद है। ममता बनर्जी पूरा घटना का जो बयान उनकी तरफ से बोला जा रहा है ममता बनर्जी के सामने, वो लोग तरफ से जो डिमांड है वो डिमांड रखा जाएगा कि ये पूरा घटना में जो लोग शामिल है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिला जाए। क्योंकि एक तरफ जब एक एक्ट्रेस को पुलिस की तरफ से गिरफ्तार किया गया है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट कल एडिशनल सीपी कोलकाता पुलिस की तरफ से फैमिली के हाथ में हैंडओवर किया गया है। ये पूरा घटना को देखते हुए ममता बनर्जी के पास उनके एक ही मांग रहेगा कि जो भी गुनहगार है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले और जो भी इसके पीछे शामिल है, या तो सिक्योरिटी पर्सनल हो सकता है, तो हॉस्पिटल का कोई स्टाफ हो सकता है, जो भी इसमें शामिल है, जो संजय राय को हेल्प किया था उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले, यही मांग आज उनकी तरफ से ममता बनर्जी के सामने रखा जाएगा। ममता बनर्जी की तरफ से उनके साथ बातचीत भी किया जा रहा है, उसके बाद ही ममता बनर्जी प्रेस के सामने उनका जो बयान वो रखेगा। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.